खाने में क्या क्या मिलता था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। खाने में वहाँ पर सुन के आपको हैरानी होगी, खाने में जेल के अंदर चिकन भी मिलता था, अंडा भी मिलता था, और उसके अलावा हरी सब्जियाँ मिलती थी। सब्जी की बात करूँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जेल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि जेल में मेरे साथ क्या हुआ, कैसे रखते थे मुझे, कैसे खाना मिलता था, वहाँ के कैदी कैसा व्यवहार था मेरे साथ उनका। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म्स होती हैं, जैसे बॉलीवुड की फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म, तो उनमें आपको जो जेल दिखाई जाती है वैसी जेल तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश की सेंट्रल जेल में था, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी जेल थी जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सर्च भी किया। अब जिस जेल में था मैं, उसका नाम आपको मैं बता देता हूँ, जूली जेल, JULY, जूली जेल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जूली जेल था, और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है। तो उस जेल में मैं था। स्क्रीन पे आपको मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगा जेल की। तो जेल में जब एंटर किए हम, जब मुझे लेके गए, तो वहाँ पर मेरी चेकिंग वगैरह हुई। मेरे पास एक बैग था जिसमें मेरे सिर्फ एक कपड़े थे। वैसे तो मैं यहाँ से मैं ज़्यादा कपड़े लेके गया था, मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सारे कपड़े, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ दिया था, बट वो मेरा सीज हो गया था सामान, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत आई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जेल के अंदर मैं एक ही कपड़े थे मेरे पास, तो मैं अपने कपड़ों को मतलब कैसे चेंज करता था मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसी शर्ट थी और एक टी शर्ट थी जो कि मुझे SP सर ने दी थी खरीद के वहाँ पर, क्योंकि मेरा जो बैग था वो सीज हो गया था और वो मुझे नहीं मिल सकता था। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की बट वो मुझे नहीं मिला। बट उनके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, रूल है, तो मैं भी उनको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बट मेरे को जेल के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया। जेलर मैडम जो थी मेरी, मतलब पूरे जेल की जेलर मैडम मेरी नहीं सिर्फ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेल के अंदर 200 प्लस कैदी थे मेरे अलावा, ठीक है, 220 या 30 के आसपास होंगे। और जेल के अंदर सबसे बड़ी बात, आपको TV मिलता है, बट मेरे को TV नहीं मिला था। एक ही TV होता है पूरे जेल के अंदर कैदियों के लिए, और टाटा स्काई का वहाँ पर डिश लगा हुआ था जहाँ पर चैनल्स चलते थे। 2 घंटे कुछ न्यूज़ चलती थी, 2 घंटे कुछ मतलब जैसे मान के चलो मैंने कैदियों से जो बात की थी। क्योंकि देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जेल के अंदर का सीन क्या होता है। जब आप जेल के अंदर जाते हो, कोई भी कैदी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी कैदी हो, किसी ने ड्रग्स की वजह से कोई अंदर आया, कोई चोरी की वजह से अंदर आया, कोई मारपीट की वजह से अंदर आया, तो जब भी आप जेल के अंदर जाते हो, आपकी चेकिंग वगैरह होती है, आपके पर्स में जितने पैसे हैं, सामान है वगैरह, वो नोट कर लेते हैं। जब आप बाहर निकलते हो आपको मिल जाता है वो सारा सामान। अब जेल के अंदर कैंटीन भी होती है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप कैंटीन से सामान, जैसे कि आप जेल में गए और आपके जेब में 2,000 रुपये थे, ठीक है, और आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, अगर कैंटीन खुली हुई है तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि मुझे बर्गर चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अगर वो अवेलेबल होगा तो वो आपको मिल जाएगा। जेल के अंदर खाना बता देता हूँ कैसे मिलता था। टाइम तो नहीं था, घड़ी नहीं लगी थी, बट जहाँ पर सभी कैदी थे, मेन कैदी थे जिनको उम्र कैद हुई है, जिनकी सज़ा 5 साल, 6 साल, 7 साल है, तो वहाँ पर शायद घड़ी लगी थी। क्योंकि कैदियों ने मुझे बताया कि जो हमारे वाला रूम है, मतलब वहाँ पर रूम्स बनाए होते थे, जिनकी ज़्यादा सज़ा हुई है उनका अलग रूम, जिनको ज़्यादा सज़ा हुई उनका अलग रूम, और उसके अलावा एक रूम होता था जिनकी बेल हो सकती है, और उसके अलावा 2 रूम अलग थे। एक था जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनके लिए, और एक था जो अरुणाचल प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनके लिए, जिसमें मुझे रखा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग थे उनको मेरे साथ वाले रूम में रखा जाता था, जो भी वहाँ के लोकल रहने वाले थे, और जो बाहर के थे जैसे आसाम के, या फिर मैं पंजाब से था, या फिर अरुणाचल प्रदेश के बाहर के, उनका ये वाला अलग रूम था। हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, क्योंकि जो हमारा कमरा था, कमरे के हर तरफ खिड़की थी, सामने भी खिड़की थी, इधर भी खिड़की थी, इधर भी खिड़की थी, इधर गेट था, और जो हमारा कमरा था, इधर पूरा एक बड़ा कमरा है, इधर बाथरूम है, साइड में लैट्रिन बाथरूम बना रखा है। जब जेल में आप जाते हो तो आपको एक साबुन मिलता है नहाने के लिए, एक साबुन मिलता है कपड़े धोने के लिए, टूथपेस्ट मिलता है, और साथ में ब्रश भी मिलता है ब्रश करने के लिए। तो जब मैं पहले दिन पहुंचा तो वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें मिलती हैं, ना ही मैंने मांगी। मुझे जाके सबसे पहले तो ब्रश करना था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ब्रश नहीं किया था, 2-3 दिन से। तो वहाँ पर नमक पड़ा था, नमक का पैकेट देते हैं खाने के साथ, मतलब जैसे आप खाना लेते हो,
ठीक है, तो आपको एक नमक का पैकेट पहले से ही दे देते हैं कि अगर बाई चांस आपके खाने में नमक कम है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है। तो नमक था वहाँ पर और मेरे पास ब्रश तो था नहीं, मैंने उंगली पे थोड़ा सा नमक लगाया, मैंने पूरा ब्रश किया उससे अच्छी तरीके से, फिर नहाया धोया, और कपड़े मेरे पास नहीं थे तो मैंने कपड़े अपने पहने जो पहने हुए थे। आपने एक शर्ट देखी होगी, हर इंटरव्यू हर फोटो में वही शर्ट आपको दिख रही होगी, उसका भी रीज़न बताऊंगा। तो मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और एक जोड़ी मेरे पास एक्स्ट्रा थे जो मुझे सर ने दिए थे, ठीक है। तो जब मैं नहाता था तो मेरे पास टी शर्ट थी एक हाफ बाजू की, जब मैं जेल के अंदर रहता था तो मैं हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लेता था, और जब मैं जेल से बाहर निकलता था किसी भी रीज़न से, या फिर कोर्ट जाना है या फिर किसी को मतलब कुछ बताने, जैसे कोई पूछताछ करने आ गया उनको कुछ बताना, तो मैं बड़ी वाली शर्ट पहन लेता था, क्योंकि हाफ बाजू की पहन के बाहर जाता तो मुझे काफ़ी कमज़ोर हूँ, हाथ तो है नहीं इतने पतले पतले से हाथ है मेरे, तो थोड़ा अजीब सा लगता था, तो मैं शर्ट पहन लेता था। तो ऐसा करता था मैं, जैसे मैं सुबह नहाता था, सुबह नहीं नहाता था, सुबह 9 बजे चाय आती थी। पहले मैं रूटीन बता देता हूँ रूटीन क्या था वहाँ का। सुबह नहीं 9 बजे, गलत बोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे चाय आती थी, लाल चाय होती थी बिल्कुल लाल, बिल्कुल भी दूध नहीं डालते थे उसमें, क्योंकि जेल है भाई, आपको वहाँ पर फैसिलिटी थोड़ी मिलेगी। तो लाल चाय मिलती थी, अदरक डाली होती थी उसमें हल्की सी, और थोड़ी चीनी और थोड़ी चाय पत्ती, उसको उबाल के देते थे अच्छे से। सुबह जब जेल में आप एंटर करते हो तो आपको साबुन टूथपेस्ट वगैरह तो मिलता ही, उसके साथ आपको 3 कंबल मिलते हैं, जैसे ये चादर है ना, चादर इस तरह का ब्लैक कंबल होता है, थोड़ा मोटा होता है इससे, ठीक है। तो वो कंबल आपको 3 मिलते हैं, वो 3 क्यों मिलते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो वो जो 3 कंबल मिलते हैं, एक तो हम बिछा सकते हैं, एक का हम तकिया बना सकते हैं, एक को हम अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं। तो वो 3 कंबल हर कैदी को मिलते हैं, उसके साथ एक थाली मिलती है और एक गिलास मिलता है, इतना सा गिलास होता है, इतना सा गिलास होता है, और एक इतनी बड़ी थाली होती है, ठीक है। तो थाली में हम खाना लेते हैं और साबुन हमें मिल ही जाता है धोने के लिए, तो थाली में हम खाना लेते हैं, खाना आता है, सुबह चाय आती है, जो गिलास मैंने बताया उसमें ही चाय, उसी में पानी, सब कुछ उसी में करना है, ठीक है। सुबह चाय आती है 7 बजे, चाय के साथ हमें एक पैकेट बिस्कुट मिलता है, एक पैकेट नहीं सॉरी आधा पैकेट बिस्कुट मिलता है, जिसमें 5 या 6 या 7 बिस्कुट होते हैं गिनती के, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, बट इतने ही मिलते हैं, ठीक है। मैंने कभी गिने नहीं, टोटल बिस्कुट पूरे पैकेट में 16 होते हैं, ठीक है, तो वही 7-8 के आसपास आधे पैकेट में आते हैं, ठीक है। तो सुबह चाय मिलती है 7 बजे, उसके 2 घंटे बाद आ जाता है खाना 9 बजे। खाना आपको मिलता है चावल रोटी, जो आपको खानी है वो आपको मिल जाएगी, आप बता सकते हैं जेलर मैम को, या फिर वहाँ मेजर होते हैं, मेजर को बता सकते हैं कि मुझे अभी चावल खाना है, मुझे अभी रोटी खानी है, तो वो आपकी सुनेंगे। मैं चावल रोटी दोनों लेता था, क्योंकि मैं पंजाब से था और मुझे चावल भी अच्छे लगते थे, मुझे रोटी भी अच्छी लगती थी, तो मैं दोनों चीज़ें मांगता था, तो मुझे दोनों चीज़ें मिल जाती थी। उसके अलावा दाल मिलती थी गिलास में, मैं दाल लेता था, गिलास जो छोटा गिलास होता है उसको भर के वो दाल देते थे, दाल थोड़ी पतली होती थी, तो मैं उसको पानी की तरह पीता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे वहाँ पर खान पान करता था, जब रोटी चावल आती थी मैं पहले रोटी खाता था, क्योंकि दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता था जो कि वहाँ का रूल था। सुबह चाय मिल गई 7 बजे, चाय मिलने के बाद 9 बजे खाना मिलता था, 9 बजे खाना मिलने के बाद फिर आपको 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास खाना मिलता था, क्योंकि घड़ी तो थी नहीं, जो वहाँ का टाइम वो बता रहा हूँ। सुबह एक बार खाना मिला, दोपहर में एक बार खाना मिला, वही मिलेगा सिर्फ। अगर आपको रात को भी भूख लगती है तो आप एक्स्ट्रा लेकर रख सकते हैं, ठीक है, जो थाली आपको मिली है उसमें आप लेकर रख सकते हैं साइड में, ठीक है, अगर आपको खाना है, बट कोई भी नहीं रखता था, बहुत कम लोग ही रखते थे। तो 2 टाइम खाना मिलता था, 1 टाइम चाय मिलती थी, और एक बार पानी आता था, गर्म पानी आता था, 2 लीटर की बोतल मिली थी हमें अंदर, तो वो बोतल भर के हम रख लेते थे, वही पानी हम पीते थे अगले दिन तक, 2 लीटर की जो बोतल होती थी, अगर आपका पानी खत्म हो जाता है तो टूटी लगी थी वहां से भी पी सकते हैं, बट कोरोना की वजह से उन्होंने बोला था कि गर्म पानी पियो, तो हमें डेली 2 लीटर गर्म पानी एक आदमी को मिलता था। वहां पर मेरे साथ 3 कैदी और थे जिनके साथ मैं बातचीत करता था। तो अब जेल के अंदर यही सीन था, कोई तंग नहीं करता था, अगर कोई कैदी आपको तंग करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता था, उसको प्यार से पहले समझाया जाता था, अगर वो नहीं समझता है तो फिर उसको अपने तरीके से वो समझाते थे, ठीक है। और अगर आप सही से जेल के अंदर रहोगे तो वो भी आपके साथ सही से रहेंगे। खाने में क्या क्या मिलता था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। खाने में वहाँ पर सुन के आपको हैरानी होगी, खाने में जेल के अंदर चिकन भी मिलता था, अंडा भी मिलता था, और उसके अलावा हरी सब्जियाँ मिलती थी। सब्जी की बात करूँ तो सब्जी में हमें मिलती थी भिंडी, मिलती थी
तोरी मिलती थी, जो यहाँ के नाम है, वहाँ अलग नाम थे उनके। वहाँ पर मैं कैदियों से जब पूछता था कि ये कौन सी सब्जी है, तो वो कुछ अलग नाम ही बताते थे, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग थी थोड़ी सी। बोलते सब हिंदी थे, बट वहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अरुणाचल प्रदेश में 24 से लेके 26 लैंग्वेज है टोटल, जो लोकल लैंग्वेज है और उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, जो कि वो अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, और हिंदी तो प्रॉपर चलती ही है वहाँ पर। तो वहाँ पर उनके अलग अलग नाम थे जो मुझे याद है। सब्जियाँ, कुछ सब्जियाँ तो बिल्कुल न्यू थी मेरे लिए, उसके नाम मुझे याद नहीं है। मैंने कैदियों से पूछे थे, जो मेरे साथ कैदी थे, उनसे मैंने पूछा था कि ये कौन सी सब्जी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली सब्जी ऐसी है, ये वाली सब्जी ऐसी है, ये नाम है। और जेल के अंदर सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ही मिलती थी, सिर्फ हरी सब्जियाँ। वीक में एक हफ्ते के अंदर आपको 2 बार चिकन मिलता था, 2 बार, ठीक है, 2 बार चिकन, 2 दिन नहीं, 2 बार, मतलब कि सिर्फ 2 बार ही मिलता था चिकन, वो रूल था उनका। 1 बार अंडा मिलता था, और उस क्योंकि मैं तो खा लेता था चिकन वगैरह, तो मेरे लिए तो चलो ठीक था। जो नहीं खाते उनकी अपनी मर्जी होती है। देखो, चिकन मिलता है उसके साथ दाल भी मिलती है, ठीक है, दाल मिलती है उसके साथ, आपको नींबू भी मिलता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को, जैसे यहाँ पर पंजाब में मैंने छोटे छोटे नींबू देखे हैं, बट वहाँ पर मैंने एक भी छोटा नींबू नहीं देखा। जब भी वो नींबू लेके आते थे, हरे कलर का नींबू होता था, इतना बड़ा नींबू होता था, और वो खाने वाला नींबू होता था जो यहाँ पर हम खाते हैं ना, मैंने पहली बार इतना बड़ा नींबू देखा था। वैसे तो मैंने पंजाब में भी बड़े बड़े नींबू देखे हैं, बट वो दूसरे टाइप का नींबू था, अलग ही नींबू था वहाँ पर। चलो, वो भी एक नया एक्सपीरियंस था। और जेल के अंदर कोई तंग नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता। जेल के अंदर टाइम पास कैसे करते थे, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है उसके अंदर। और जेलर मैडम बार बार आके पूछते थे, हर कैदी से पूछते थे, कोई तंग तो नहीं करता, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर आपके पेट में भी दर्द है, आप अगर बोल दोगे तो डॉक्टर तुरंत आपका चेकअप करेगा। जैसे मुझे थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज भी चढ़ाया, मतलब अंदर डॉक्टर होते हैं, 24 घंटे उनकी सर्विस अवेलेबल होती है। कभी कभी वो नहीं होते तो फिर उनको बुला लिया जाता है, ठीक है। और जेलर मैडम भी होती है, और जेलर मैडम बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हर कैदी के पास वो जा जाके डेली पूछते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती थी, तो वो उनको बताता था, वो उसका हल निकाल देते थे। और कोई मारपीट नहीं होती थी, कोई ऐसा डराने धमकाने वाला काम नहीं होता था वहाँ पर। जेल के अंदर कुछ कैदी होते हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा होती है, तो वो अपना रोब जमाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप उनके मुंह ही नहीं लगोगे, उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, ठीक है, देखो, अगर आप उनके मुंह लगोगे, उनसे बहस करोगे, उनसे ज़्यादा बातचीत करोगे, तो फिर आपकी लड़ाई तो होनी तय है, ठीक है। और अगर आपकी लड़ाई होती है, तो उसको सज़ा मिलेगी, तो आपको भी सज़ा मिलेगी, सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपको वो परेशान कर रहा है, तो आप शिकायत करो, ठीक है, उसके मुंह ही मत लगो। अगर आप उसके साथ दोस्ती करते हो, बाद में लड़ाई करते हो, तो दोनों को सज़ा मिलेगी, जो भी सज़ा मिलेगी। उसको तो उम्र कैद है, अगर आपको उम्र कैद नहीं है, तो उसके साथ मत रहो, अपना अलग ग्रुप बना के रखो, क्योंकि वहाँ पर अंदर ग्रुप चलते हैं, अपना अपना ग्रुप सब बना के रखते हैं, वहाँ पर सीनियर होते हैं कुछ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सीनियर को बताओ, अगर वो आपको कुछ हेल्प नहीं करता है, तो आप सीधा मैम को बता दो, जेलर मैम को बता दो, या फिर वहाँ पर मेजर होते हैं, उनको बता दो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जेल के अंदर होती है, तो ऐसा नहीं है कि जेल है तो भाई कुछ नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार भी हो जाता है ना, तो जेल के अंदर डॉक्टर तुरंत आपको दवाई देता है, और फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है जेल के अंदर। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई ऐसे खाना मिलता है, इतना इतना खाना मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतना खाना खाना है, तो आप इतना लो, अगर आपको इतना खाना है इतना लो, आपको इतना खाना है तो इतना लो। ये नहीं कि आपको मना किया जाएगा कि भाई इतना ही मिलेगा, खाओ। आपको वहाँ पर बोला जाता है कि आपको जितना खाना है एक बार ही मिलता है, लो। सुबह आते हैं वो खाना देने के लिए, सुबह अगर आपको खाना खाना है, तो आप उनको बता दो कि इतना खाना। देखो, खाने में आपको 3-4 चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल क्या करते हैं कि सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई और चावल बनाए, ऐसे ही वहाँ पर होता है। दाल आपको डेली मिलेगी, चाहे चिकन मिले ना मिले, आलू की सब्जी मिलती है, चिकन की सब्जी मिलती है, अंडे की सब्जी मिलती है, अंडा बॉयल करके देते हैं, और उसके अलावा भिंडी, तोरी, हरी सब्जियां सब तरह की मिलती हैं, मतलब 4-5 तरह की सब्जियां मिलती है। और उसके बाद आलू की सब्जी मिलती है, ठीक है, और चिकन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, अंडा मिलता है। तो 7 दिन में ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, जब ये रिपीट हो गया, फिर दोबारा से रिपीट होगा, फिर दोबारा से रिपीट होगा, यही चीज़ें बार बार मिलती हैं, ठीक है। एक पतली पतली फल्ली सी होती है ना, जिसे हम यहाँ पर फल्ली बोलते हैं, सेम फल्ली ऐसा कुछ होता है, वो चीज़ मिलती है, तोरी मिलती है, यही सब चीज़ें मिलती हैं, हरी सब्जियाँ ही मिलती हैं अंदर। और खाने पर कोई रोक नहीं है, जितना खाना है खाओ, और पानी 24 घंटे आता है, जितना नहाना है नहाओ, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताओ।
उसका हल कर दिया जाएगा। और कोई मारता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, कोई टॉर्चर नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा आपको कोई, ना पुलिस वाले वहाँ के, मुझे कब किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, ना मुझे पंजाब पुलिस ने कुछ किया, ना मुझे अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने कुछ किया, सिर्फ पूछताछ की गई। हाँ, अंदर की बातें कुछ हैं जो हम रिवील नहीं कर सकते, बट अगर कुछ होता है आगे जाके तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही था, 15 मिनट की वीडियो बन गई, मैंने सोचा था 5-6 मिनट में निपटा दूंगा, बट काफ़ी सारी बातें मैंने आपको जेल के अंदर की बता दी। और अगर आप कुछ करके जाते भी हो, कुछ गलती आपसे होती है, तो आप वहाँ पर जाके अपनी गलती का एहसास करो। वहाँ पर जाके जब कोई जेल के अंदर जाता है तो अपने आप वो सुधर जाता है, क्योंकि वहाँ जाके मतलब जब अकेला रहता है ना बंदा, तो उसको अपनी सारी गलतियां ही याद आती है। आपने जो अच्छे काम किए जेल के अंदर वो आपको याद ही नहीं आएंगे, आपको आपका दिमाग इतना मतलब इतना दिमाग आपका हिल जाएगा। मुझे मानोगे नहीं, जब मैं जेल के अंदर था मैं अपने पासवर्ड सारे के सारे पासवर्ड भूल गया, जबकि आज तक मैंने जितने भी पासवर्ड बनाए हैं, अपनी मेल आईडी के हो, चाहे फेसबुक के हो, चाहे कहीं के भी हो, कुछ भी हो, मानोगे मैं अपना मोबाइल नंबर तक भूलने लग गया था। जब मुझे लगा ना कि मेरे दिमाग पे इतना इफेक्ट हो रहा है कि मैं अपने नंबर भूल रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर जेल के अंदर प्रॉपर नंबर नहीं लिखा अपना, क्योंकि पेन तो होता नहीं था, तो जब मैं मम्मी का नंबर मुझे याद रखना था, मैं अपना नंबर भूल जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन था मम्मी का, तो मैंने क्या किया ना, मैंने कोड वर्ड बना के ना दीवार पे लिख दिया, क्योंकि वहां पर जितने भी कैदी आते थे ना, सब अपना अपना बायोडाटा लिख के जाते थे कि मेरा नाम ये है, मैं इस केस में अंदर आया हूँ। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी थी जेल के अंदर। और जेल के अंदर जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि टीवी मिलता है, गिटार मिलता है खेलने के लिए, लूडो चेस वगैरह भी मिलती है, बट उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, जेल के अंदर काम करवाया जाता है या नहीं, जेल के अंदर कैसे टाइम पास होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं एक जगह पे बैठे बैठे थक गया, और अभी मुझे बाहर भी जाना है, क्योंकि मम्मी काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे कि आपका डॉग कैसा है, तो काफ़ी कमज़ोर हो गया था मेरे जाने के बाद, उसने रोटी खानी छोड़ दी थी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और मम्मी अभी ठीक है, आप सभी की दुआएं लगी हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद जिन्होंने भी मेरी मम्मी के लिए दुआएं की। अभी इलाज चल रहा है, आपको रिपोर्ट दिखा सकता तो मैं दिखा देता, बट अभी परमिशन नहीं है मुझे, क्योंकि समझ सकते हो आप क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं। तो मम्मी ठीक हैं, जिन्होंने भी मेरी मम्मी के लिए दुआएं की उन सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जल्दी से जल्दी मैं लाइव स्ट्रीमिंग चालू करने की सोच रहा हूँ, और गेमिंग चैनल भी मेरा, जो गेमिंग चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कल से वहाँ पर मैं गेम प्ले अपलोड करने लग जाऊँगा। वो गेम प्ले वाला चैनल है, और ये जो पारस ऑफिशियल चैनल है ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला चैनल है, इस पर व्लॉगिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी चीज़ें मिक्स आएंगी। और जो पारस गेमर चैनल है, जो कि आपको टाइटल में भी लिंक दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख जाएगा, पिन कमेंट में भी लिंक दिख जाएगा, उस पर मैं गेम प्ले अपलोड करूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम प्ले अपलोड करूँ। और आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।